हेलो दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास 56 यह संख्या है। क्या आप 56 का वर्ग या स्क्वायर जानते हैं? वैसे मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोगों ने गुणा करना शुरू कर दिया होगा, लेकिन दोस्तों आप रुक जाइए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आप किसी भी संख्या का वर्ग बस 3 सेकेंड में निकाल सकते हैं। यह काफ़ी दिलचस्प लग रहा है ना, लेकिन संख्या के वर्ग का मतलब क्या है? वैसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि वर्ग का मतलब क्या होता है। जब आप किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो मिलने वाले परिणाम को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए 5 का वर्ग 5×5 है, जो कि 25 के बराबर है। इसी तरह आप किसी भी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आप में से अधिकतर लोगों को 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग पता होंगे, लेकिन 56, 78 और 83, इन संख्याओं का वर्ग क्या होगा? इन बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालने में कठिनाई होगी और ज्यादा समय भी लगेगा, राइट? तो दोस्तों, आज हम एक ट्रिक के साथ आए हैं जिससे आप किसी भी संख्या का वर्ग 3 सेकेंड्स में और 6 सिंपल स्टेप्स में निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अपने सत्र की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ 56 दो अंक वाली संख्या है, इसीलिए इस संख्या का वर्ग 4 अंक की संख्या होगी। यहाँ पहली संख्या 5 है, 5 का वर्ग 25 है, तथा 6 अगली संख्या है और 6 का वर्ग 36 है। अब यहाँ 0 लिखिए और अब 5×6 कीजिए, इससे हमें 30 मिला। अब इस 30 का गुणा 2 से कीजिए, जिससे हमें 60 मिलेगा। अब यहाँ इस 60 को लिखिए। अब इन दोनों संख्याओं यानी 2536 और 600 को जोड़ने पर हमें 3136 मिलेगा। इसीलिए 56 का वर्ग है 3136। हम इसकी जांच कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, दोनों में उत्तर वही होगा। चलिए दूसरी संख्या के लिए भी ऐसा ही करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 87 है, तो चलिए अब हम उसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। 8 का वर्ग 64 है और हमारी अगली संख्या 7 है और इस 7 का वर्ग 49 है। अब यहाँ हम 0 लिखेंगे और अब हम 8 में 7 का गुणा करेंगे, जिससे हमें 56 मिलेगा, और हम इस 56 का गुणा 2 से करेंगे, जिससे हमें 112 मिलेगा। अब यहाँ 112 लिखिए। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें 7569 मिलेगा। आइए देखते हैं कैलकुलेटर क्या कहता है। जी हाँ, उत्तर सही है। तो दोस्तों, चलिए एक बार फिर से इन स्टेप्स को दोबारा देखते हैं। हमारा पहला स्टेप है, पहली संख्या का वर्ग कीजिए। दूसरा, दूसरी संख्या का वर्ग लीजिए। अंत में अंक के नीचे 10 जोड़िए। चौथा स्टेप, पहली और दूसरी संख्या का गुणा कीजिए। पांचवा स्टेप, पहली और दूसरी संख्या का गुणा करने से जो हल मिला है उसमें 2 से गुणा कीजिए। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, इसीलिए कृपया करके इसे न भूलें। हमारा फाइनल स्टेप यानी अंतिम चरण में इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। इस ट्रिक का उपयोग करके आप किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इस ट्रिक को ट्राई कीजिए और हमें इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ट्रिक पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और लेट्स्ट्यूड से कोई भी अपडेट ना मिस होने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।